हो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष की ओर से सोनिया ने संभाली कमान। मोदी सरकार जीत के प्रति महाकवि गोपाल दास नीरज का अलीगढ़ में देदान संस्कार। नीरज कर चुके थे देदान की घोषणा। साहित्य जगत में शोक की लहर। हासिडो ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर। ट्रांसपोर्टरों की सरकार की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल। पुरानी मांगों के समर्थन में हड़ताल। फतेहपुर मक्की रिंद नदी में समाया अनियंत्रित ट्रक। ड्राइवर की हुई मौत। क्लीनर गंभीर रूप से घायल। और जहानाबाद क्षेत्र में हुआ हादसा। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। एक के बाद एक बदमाश वारदातों को अंजाम देने से जरा भी नहीं कतरा रहे। बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से। जबरत की गोली मारकर हत्या कर लूटपाट करके बदमाश भाग गए। विरोध करने पर गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। इसके साथ ही गुरसाईगढ़ थाना क्षेत्र के पकरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से। जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। व्रत की गोली मारकर हत्या और लूटपाट कर बदमाश भाग निकले। और विरोध करने पर गोली भी मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे फोन लाइन से कन्नौज से विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद। व्रत को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे विवेक आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें कन्नौज में बहुत बड़ी वारदात की है, जहाँ पर बदमाशों ने पहले लूटपाट की, उसके बाद रास्ते से निकल रहे तो व्रत ने रोक दिया, पूछ दिया कैसे कहाँ जा रहा है, क्या है मामला, तो उसको गोली मार दी। यहाँ पर देखा जा सकता है, पर बाद में उसके उसका पॉटल लेटा था, उसके उससे पूछा नहीं कि वो सो रहा था और गोली मारकर फरार हो गया। उसकी मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है विवेक अब तक पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है बराबर, लेकिन पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं बदमाशों को जल्द ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही बोलती है कि कोशिश करेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले खिबरामो में ऐसा हुआ था, अभी तक पुलिस ने कोई भी लूट के जो अपराधी थे, जो भी बदमाश थे, लूट करके भाग गए थे, उसको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। धन्यवाद विवेक जुड़ने के तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर पर बने हुए थे कन्नौज से। बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद दिखे। व्रत की गोली मारकर हत्या की और साथ ही साथ लूटपाट करके भाग निकले। और विरोध करने पर गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। पद्म भूषण महाकवि गोपाल दास नीरज का गुरुवार शाम को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। आपको बता दें शाम करीब 7:50 पर गोपाल दास नीरज ने अंतिम सांस ली। तबियत खराब होने के बाद उन्हें बुधवार को आगरा से दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया। बुधवार शाम करीब 10 बजे वो आगरा से एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें ट्रॉमा सेंटर के ICU में भर्ती कराया गया था। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरवली गांव में हुआ था। वो हिंदी मंचों के प्रसिद्ध कवि थे। फिल्मों में कई सुपरहिट गाने लिख चुके कवि गोपाल दास नीरज को उनकी लेखनी के लिए कई सम्मान भी मिल चुके। उन्हें 1951 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नीरज को 2007 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया। और वही बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने लिखकर गोपाल दास नीरज को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। नीरज का अलीगढ़ में देदान संस्कार होगा। नीरज का देदान की घोषणा हो चुकी है। उधर नीरज के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी JMD न्यूज से बलबीर जुड़ चुके हैं। बलबीर जी, एक बहुत बड़ा सितारा हम खो चुके हैं, गोपाल दास नीरज, जिनका नाम साहित्य जगत में बहुत उच्च पद पर लिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप?
लग रहा तकनीकी खामी की वजह से। जी बलबीर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क लगातार लगता है हमारे संवाददाता से टूट चुका है, लेकिन लगातार प्रयास करें जो संपर्क साधने की कोशिश करें। आपको बता दें महाकवि गोपाल दास नीरज जी अब हमारे बीच नहीं रहे, दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसके साथ ही आपको बता दें दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली महाकवि गोपाल दास नीरज ने, उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। एक साहित्य जगत का चमकता सितारा इस वक्त हमारे बीच अब नहीं रहा है, लेकिन उनकी यादें हमारे अंदर हमेशा ताजा रहेंगी। उनके सारे गीत, उनके बोल, उनकी सारी कविताएं हमें पल पल उनकी याद दिलाएंगी। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी बलबीर जी जुड़ चुके हैं। बलबीर जी, साहित्य जगत का एक चमकता सितारा महाकवि गोपाल दास नीरज हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गोपाल दास नीरज साहित्य जगत के चमकते ऐसे सितारे थे जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं विदेश तक में भारतीय साहित्य की ध्वजा पताका फहराई। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ गोपाल दास नीरज साहित्य जगत के वो सुमेरु कहे जाते थे जिनके बिना कोई भी कवि सम्मेलन पूर्णता को प्राप्त नहीं होता था। कवि सम्मेलन के मंचों पर जादू दर्शकों में ऐसा सम्मोहन डालता था कि लोग इस कदर उनको सुनने के लिए तन्मय हो जाते थे कि वो अपनी शुद्ध को खो देते थे। और कवि सम्मेलन के मंचों के अलावा उनका साहित्य के क्षेत्र में कई ऐसे प्रसिद्ध गीत लिखे जो बाद में फिल्मों में भी दिए गए, और फिल्मों में उनके तमाम गीत आज भी यादगार हैं, जैसे कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, और इसी प्रकार से मेरा नाम जोकर में, ए भाई जना देख के चलो, और टोकियों में घुड़ जाए फूलों का सवाल, इस तरह के ऐसे अमर गीत हैं जो फिल्मों में निश्चित रूप से उनकी हमेशा यादें ताजा करते रहेंगे। बिल्कुल बलबीर जी, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, एक बहुत गौरवान्वित, ये सारे सम्मान होते हैं जो एक इंसान को मिलते हैं, ये सारे सम्मान उन्हें भी दिए गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, उनकी उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए विद्या, मैं जहाँ तक उनके साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में सम्मान की बात करेंगे तो ये कहना लाजमी होगा कि उनके लिए कोई भी बड़ा से बड़ा सम्मान भी उनके साहित्यिक कद के आगे कोई बहुत मायने नहीं रखता था। वैसे फिर भी उनको 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सजा गया, और भारत सरकार ने उनके साहित्य को हमेशा सम्मान के दृष्टि से देखा और उनको लगातार ऐसे सम्मान देश भर में मिलते रहे। कई बार विदेशों में भी उनको बड़े सम्मान मिले हैं, तो उस कवि का सम्मान के मानक पर अपना ऐसे महाकवि को मैं समझता हूँ बहुत उचित नहीं माना जा सकता। वो बड़े सम्मानों से भी कहीं ऊपर थे, और जहाँ तक जो कानपुर से उनके संबंध की बात की जाए तो कानपुर से उनका बहुत गहरा नाता था। ये कहा जा सकता है कि कानपुर ने ही उनको ऐसे दर्द के साथ उन्हें महाकवि के पद पर बढ़ने की राह दिखाई, और कानपुर के डीएवी कॉलेज से उनकी बहुत अच्छी रस्मतियाँ जुड़ी हुई है। कानपुर डीएवी कॉलेज में वो क्लर्क की नौकरी के साथ साथ यहाँ की तमाम सारी गलियों में उनके संस्मरण है। पुरसमा में उनकी मंडली लगती थी, और इसके अलावा उनकी एक कानपुर की पार्टी के नाम से एक ऐसी कविता प्रसिद्ध है जो जब भी वो कानपुर आते थे तो कानपुर की पार्टी श्रोता निश्चित रूप से उनसे सुनते थे, कानपुर के श्रोताओं से उनको लगाव भी विशेष था, वो कभी भी उनकी फरमाइश को मायूस नहीं करते थे, और जब भी उनसे कानपुर के
मंचों पर जनताओं की फरमाइश की जाती थी तो वो बड़े तन्मय होकर बहुत ही भावात्मक रूप से जोड़कर किसानपुर के श्रोताओं को आनंदित करते थे। बिल्कुल बलबीर जी, उन्होंने बहुत कुछ देशवासियों को दिया, सिर्फ देशवासियों को, इस देश को नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने बहुत कुछ हमको दिया। वो पल पल हमारी यादों में ताजा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली महाकवि गोपाल दास नीरज ने। इस वक्त वो हमारे बीच नहीं है, और आपको बता दें कई फिल्मों में गीत भी लिख चुके हैं। और अब खबर कन्नौज से। कन्नौज जिले के छिबरा मौजेद में एसडीएम गौरव शुक्ला ने पॉलिथीन बंदी के आदेश के बाद बाजार में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वही एसडीएम ने पॉलिथीन के थोक विक्रेता के यहां छापा मारा, वहां से करीब 10 किलो पॉलिथीन बरामद की, जिसके बाद एसडीएम पॉलिथीन विक्रेता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पॉलिथीन विक्रेता हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन एसडीएम ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वही एसडीएम गौरव शुक्ला ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जारी किया गया है, जिसके द्वारा प्लास्टिक को निषिद्ध किया गया है। अभी वर्तमान में 15 अगस्त से पहले तक केवल प्लास्टिक की थैलियों को जो 50 माइक्रोन से कम की हो या 50 माइक्रोन से यदि अधिक हैं, तो जिन पर भी निर्माता का नाम आदि नहीं लिखा हुआ है, रजिस्ट्रीकरण नंबर, उनको निषिद्ध किया गया है। इनको उनके विरुद्ध अभी अभियान चलाया जा रहा है। और एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से जितने भी प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, थर्माकोल के ग्लास, प्लेट ये होती हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। और 2 अक्टूबर के बाद से सभी प्रकार के प्लास्टिक को बंद होना है। अभी 3 दुकानों पर छापे मारे गए हैं। शुरुआत हमने ऐसी दुकानों से की है जो थोक विक्रेता हैं। थोक विक्रेताओं में कैलाश ट्रेडर्स पर हमें 10 किलो से अधिक प्लास्टिक मिली है, जिस पर उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। हाजिर होंगे। पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है, खुद ही को आजमाया है, तुझे अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अनुराग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पूर्णतः वातानुकूलित मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस एवं डीलक्स रूम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, एक छत के नीचे मेडिसिन व सर्जरी से संबंधित सब कुछ, अत्याधुनिक सुविधाओं व क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ आपकी सेवा में तत्पर। अनुराग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, शारदा नगर, कानपुर। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। क्रांति की, शांति की, गायक की, महानायक की, योग की, योगी की, हर बात आपकी, हर खबर आपकी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो खबर में रहिए। शायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अनियंत्रित ट्रक एक नदी में जा गिरा, जो यहां एक चालक की मौत हो गई, साथ ही साथ एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की फतेहपुर से, अनियंत्रित ट्रक रिन नदी में जा गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। इसी के साथ जहानाबाद थाना क्षेत्र के रिन नदी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अनियंत्रित ट्रक रिंद नदी में गिरा। जहां एक चालक की मौत भी हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है और ये पूरी घटना जहानाबाद थाना क्षेत्र के रिंद नदी के पास की बताई जा रही है। और इस खबर में अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे फतेहपुर से अमर जुड़ चुके हैं। अमर, अनियंत्रित ट्रक रिन नदी में गिर गया, चालक की मौत हो गई, क्या कुछ और जानकारी देना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर आप? उसमें सर जानकारी ये है कि ये ट्रक जो है जहानाबाद से बकेवर की तरफ आ रहा था और ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। नींद की झपकी के चलते जो है वो रेलिंग तोड़ता हुआ नदी में गिर गया जाकर के, और उसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। खलासी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि जिला हॉस्पिटल फतेहपुर एडमिट हुआ है जाकर के जी, और राहत और बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर पर बने हुए थे फतेहपुर से, अनियंत्रित ट्रक रे नदी में जा गिरा, चालक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो तस्वीरें आप सीधे फतेहपुर से देख सकते हैं, जहां अनियंत्रित ट्रक रे नदी में गिर गया है। कितना भीषण यह हादसा है। और सावन के त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की ओर से आनंदेश्वर मंदिर में अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू हो गई है। मंदिर की शुरुआत में ही नगर निगम को अतिक्रमण तब भारी पड़ गया जब इलाकाई जनता ने एकाएक विरोध करना शुरू कर दिया। रह रहे परिवारों ने हाउस टैक्स की रसीद दिखानी चाहिए तो अधिकारियों ने बिना कुछ सुने अतिक्रमण शुरू कर दिया। कार्यवाही को देखकर सतीश चौहान के परिवार के सदस्यों ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने मिट्टी के तेल का डिब्बा छीनकर भीड़ को तितर बितर किया। फिलहाल पीड़ित परिवारों ने नगर आयुक्त से गुहार लगाने की बात कही है। मामला यह है कि बगैर आदेश के, बगैर कागज के हमारी दुकान कम से कम 35 साल से गिराई जा रही है। नगर निगम का कोई भी अधिकारी मुझको कागज नहीं देता है, एक दिन का समय नहीं देता है, आता है बुलडोजर चला देता है, मुझको मारने की धमकी देता है, मुझको बंद करने की धमकी देता है। किस चीज़ के लिए धमकी देते हो? मैं, यह मेरा पूरा परिवार है, इस परिवार को 10 लीटर मिट्टी तेल डाल के और कमल सिंह का नाम लेकर के आग लगा लूंगा। एक्चुअली क्या, हम लोग जो रूटीन प्रोसेस के तहत कमर हटा रहे थे, एक बहुत शिकायतें आ रही थी कि परमिट मंदिर के आसपास शिकायतें हैं और सावन का जो मेला स्टार्ट होने वाला है इसके दृष्टिगत रखते हुए एक रूटीन वर्क में हम लोग अतिक्रमण जो था रोड के किनारे उसको हटवा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी हाउस टैक्स मैंने पता किया है यहाँ के रेवेन्यू इंस्पेक्टर से, इनके पास कोई हाउस टैक्स का मशीन जो रसीद नहीं है, न तो ये हाउस टैक्स अभी जमा कर रहे हैं। और कानपुर बीएससी ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में, आपको बता दें, महिलाओं ने
बीएसई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही सरकार, उनका कहना है कि सरकार हर साल आरडीआई यानी शिक्षा के अधिकार स्कीम के द्वारा हर जिले में गरीब मजदूर बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराती है। सरकार का नियम है कि सभी स्कूलों को अपने यहाँ 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना होगा। ये एडमिशन आरडीआई स्कीम के द्वारा प्रशासन करवाता है, लेकिन जुलाई के बाद भी अभी तक इनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला है। एडमिशन के लिए प्रशासन 2 महीने पहले ही जारी कर चुका है। और कानपुर के कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय सगरा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शुगर एंड शुगर डेरिवेटिव्स एंड द चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस विषय पर रहा। इस मौके पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें चीनी के प्रयोग को लेकर जो भ्रांतियां हैं उस पर चर्चा की गई। इस मौके पर संस्था के 5 भूतपूर्व छात्रों को चक्राश्री से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर लंदन से आए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ विश्लेषक पीटर डी क्लॉक ने शुगर एंड हेल्थ इफेक्ट्स बिफोर फैक्ट्स विषय पर अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि विभिन्न देशों में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि चीनी पर ज्यादा कर लगाने से मोटापा कम होने का कोई शख्स नहीं है। यूरोप और अमेरिका में चीनी की खपत 3348 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जबकि एशिया में ये मात्र 17.5 क्रीगा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। उन्होंने बताया कि मनुष्य द्वारा ली जाने वाली कुल कैलोरी का मात्र 8% हिस्सा चीनी से मिलता है, इसे मोटापा बढ़ाने के लिए दोषी बताना ठीक नहीं है। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक शुगर के बारे में या चीनी के बारे में गलत धारणा बनी हुई है कि चीनी खाने से आपका वजन बढ़ता है, ओबेसिटी होती है या आपको डायबिटीज़ होती है। आप अपने खाने में जितनी कैलोरी टोटल लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8% कैलोरी जो हैं वो चीनी के से आती हैं। आप ये देखते हैं कि चीनी हम ना खाएँ, तो चीनी ना खाएं तो हम कैलोरी नहीं कम कर देंगे और चीनी से कैलोरी आ रही है इसलिए हमारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जो दूसरी चीज़ें खा रहे हैं उनसे कितनी कैलोरी आ रही है। और कानपुर के फूलबाग में बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्र अधिकार वापसी लाओ संघर्ष समिति की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर सीएम को संबोधित ज्ञापन भी सिटी मैजिस्ट्रेट को दिया गया। समिति के सदस्यों का कहना है कि बिल्हौर और घाटमपुर की प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार कानपुर नगर में है और न्यायिक क्षेत्र अधिकार कानपुर देहात माती जेल भेज दिया गया है, जिसमें वादकारियों अधिवक्ताओं को आने जाने में भी काफी असुविधा होती है। इसे कानपुर नगर में करने के लिए काफी अरसे से प्रयासरत है और इसके लिए खुद राज्यपाल ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है और इसके बाद आश्वासन भी दिया गया और अब तक वापसी नहीं की गई। और एक बार फिर हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्यायिक क्षेत्र की वापसी कानपुर नगर में की जाए। आज ज्ञापन तो अभी दिया गया, इससे पहले बीएनएसडी इंटर कॉलेज से गांधी प्रतिमा फूलबाग तक एक न्याय अधिकार यात्रा निकाली गई। आज बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार को गए हुए 5 साल हो रहे हैं, हर बार हम लोग इस पर ब्लैक डे मनाते थे, इसीलिए आज न्याय अधिकार यात्रा 5 साल पूरे होने पर निकाली गई है कि इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार शीघ्र जोड़ दिया जाए। संघर्ष समिति के नेतृत्व में न्याय अधिकार यात्रा निकाली गई है। न्याय अधिकार यात्रा हम लोग एक्चुअली हर साल 19 जून को ब्लैक डे के रूप में मनाते थे, क्योंकि 5 साल पहले कानपुर की 2 तहसीलें बिल्लौर और घाटमपुर का जुरिडिक्शन माती चला गया था, उसी को लेकर आज तक हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा था। और बारिश के मौसम में बड़ी बीमारियां, सबसे ज्यादा खतरा डेंगू मलेरिया का रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बुखार समझकर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि आगे डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक रूप से सामने आता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि बुखार आने पर तुरंत सारी जांचें कराई जाए और अपने आसपास सफाई रखें। ये कहना है उर्सला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुन्ना लाल विश्वकर्मा का। उन्होंने बताया कि अस्पताल पूरी तरह से मलेरिया और डेंगू से लड़ने के लिए तैयार है, इसके लिए बेड भी बनाए गए हैं और अब तक किसी भी ऐसे मरीज की कोई पुष्टि नहीं की गई। अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या भी अभी कुछ बढ़ी है। सभी बुखार से पीड़ित मरीजों की अस्पताल में सारी जांचें कराई जाती हैं और इसके अलावा ओपीडी में एक फीवर डेस्क भी बनाई गई है, जो लोगों को इससे बचाने के लिए जागरूक भी करता है।
जा रहे हैं, लेकिन डेंगू की तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है हमारे यहाँ पर, किसी भी जांच में भी डेंगू पुष्टि नहीं हुई है। बाकी मलेरिया के केसेस भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वायरल के और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मरीज ज़्यादा हैं, गैस्ट्रो के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लूज मोशन, डायरिया, पेट दर्द, इसकी वजह से। उसका कारण एक तो ये है कि एक तो गर्मी का मौसम है तो फल, कटे फटे फल खाने से और खाना एकदम तुरंत खराब होने लगता है, तो उसकी वजह से। और वही कानपुर के डीएम विजय विश्वास पंत ने जाजमऊ क्षेत्र में आपको बता दें स्थित औचक निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने काफी खामियां पाई हैं। और इसको लेकर डीएम विजय विश्वास पंत ने औचक निरीक्षण किया, जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया है। डीएम के साथ नगर आयुक्त और एसडीएम सिटी समेत प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। डीएम ने सबसे पहले छबिलपुरवा सब स्टेशन का निरीक्षण किया, वहां उन्हें कई खामियां देखने को मिली। ट्रीटमेंट प्लांट का पंप पूरी तरह से ब्लॉक था, जिस पर डीएम ने प्रदूषण अधिकारी को मौके पर जमकर फटकार लगाई। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, जो ऑल इंडिया मोटर्स कॉर्पोरेशन की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल शुरू हो गई। आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट के अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम, 200 ट्रांसपोर्टर्स रोकेंगे, ट्रकों का संचालन रोका जाएगा, फल सब्जी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे कानपुर से फोन लाइन से अभिलाष जुड़ चुके हैं। अभिलाष, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टर्स के अनिश्चितकालीन और हड़ताल बताई जा रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर आप? आपको बता दें कि पहले से ही इस बात का तय हो चुका था कि आज ऑल इंडिया जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके तहत हड़ताल की जाएगी। इसको लेकर कल से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी और आपको बता दें कि आज सुबह से लगभग पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया गया है। जो शहर का ट्रांसपोर्ट नगर है वहां पर पूरी तरह से सारे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट नगर इस समय जाम पड़ा हुआ है और एक भी ट्रक सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल अभिलाष, इस वजह से फल सब्जी जो खाद्य वस्तुओं होती है उनकी आपूर्ति कहीं ना कहीं बहुत बाधित होगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एक बड़ा माध्यम होता है जिसके जरिए से जो है सारे सामान, जितने भी दैनिक जरूरतों के सामान है, इसके अलावा और जो कॉमर्शियल जो सामान होते हैं वो सारे लगभग इन चीजों से आते हैं। और अगर पूरी तरह से चक्का जाम हो जाएगा तो जो स्टॉक है वो ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों के पास एक या दो दिन में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। लोगों के पास घरों में सामान खत्म हो सकता है, दुकानों में सामान खत्म हो सकता है। तो अभी एक दो दिन तक तो ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये हड़ताल जारी रही तो एक दो दिन बाद जरूर एक बड़ी समस्या सामने आएगी। बिल्कुल अभिलाष, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल करें, आखिरकार इनकी मांगे क्या है? जी देखिए, कई मांगे हैं इनके पास, जीएसटी को लेकर कुछ चीजों पर जीएसटी की हटाने को लेकर इनकी मांग है, इसके अलावा जो टोल टैक्स बढ़ा हुआ है उसको लेकर इनकी मांग है। तो इस तरह से कई इनकी मांगे हैं जिनको लेकर इन लोगों ने पहले से सरकार से मांग की थी कि इन चीजों पर उनकी मांगे मान ली जाए, लेकिन जब ये मांगे नहीं मानी गई है तब इन लोगों ने अब ये निश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है। बिल्कुल, ये तो इनकी तरफ से है हड़ताल और इनकी मांगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से जैसे मेरी बात हुई थी तो प्रशासन का कहना है कि चूंकि अभी तक हड़ताल है तो हड़ताल एक शांतिपूर्ण ढंग से अगर चलेगी तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहीं पर विरोधाभास देखने को मिलेगा या जबरदस्ती, जैसा कि कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है लोगों की टीमें बनाई है, इन लोगों ने आपस में, और अगर कोई ट्रक इनको जो है रोड पर चलता हुआ दिखाई देगा तो ये उस ट्रक को रोकेंगे और उसको चक्का जाम करने के लिए कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कहीं पर वाद विवाद भी हो, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि सरकार में ना शामिल हो कुछ ट्रांसपोर्टर, तो उस पर प्रशासन का कहना है कि अगर ये स्थिति आएगी तो फिर वो उसके लिए तैयार हैं और उसके ऐसी स्थिति में जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद अभिलाष जुड़ने की तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर पर बने हुए कानपुर से, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम, अपनी मांगों को लेकर उनकी हड़ताल लगातार जारी है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से अब ये हड़ताल शुरू की है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल।